हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सुनील भारद्वाज, आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, बोस-आइंस्टीन गैस। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन गैस भी इसका नाम है। ये आपका MDU यूनिवर्सिटी के अंदर, पुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर आपका 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सीधे ही पूछ लिया जाता है कि आपको डेरिवेशन पूछा जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन गैस के साथ में। दिस इज द लेंथी टॉपिक, लेंथी डेरिवेशन। अगर मैं बात करूंगा इसमें, कहीं कहीं जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है मैं वहां पे इनको सॉर्ट करूंगा, उस चीज को आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इतना लंबा डेरिवेशन करने में हमें कोई नहीं, जितना ज्यादा सॉर्ट हो मैं उतना ज्यादा इसको सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ बोस-आइंस्टीन गैस की, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ बोस-आइंस्टीन गैस की मैं बात करता हूँ। तो एन असेंबली ऑफ बोसोन, अगर मैं बात करता हूँ एन असेंबली ऑफ बोसोन इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन गैस। क्या कहते हैं इसको? एन असेंबली ऑफ बोसोन इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन गैस। तो असेंबली ऑफ बोसोन का मतलब क्या हो जाता है? आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ठीक है, एन असेंबली ऑफ बोसोन, ब्रैकेट मार्क लिखना चाहते हो, आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इज नोन एज बोसोन। कंसीडर अ परफेक्ट बोस-आइंस्टीन गैस ऑफ स्मॉल एंड बोसोन्स। Let these particles be distributed among among group or state groups or states such that there are n1, n2, n3 and up to boson number of particles in quantum states whose approximate constant energy हमने क्या मानी थी, हमने r u1 u2 u3 एंड अप टू बोसोन respectively। तो ये केस आपने मान लिया है कि एन असेंबली ऑफ बोसोन इज कॉल्ड बोस-आइंस्टीन गैस। Consider perfect Bose-Einstein gas of N boson. Let these particles be distributed among the group of state such that there are this number of particles in the state, quantum state whose approximate constant energy are U1, U2, U up to UI. तो ये सारी चीज आपने इस तरीके से यहाँ तक देख ली है। तो अगर मैं इनकी मैं बात करता हूँ, तो if GI, ये भी हमने बताया था आपको, GI is the degeneracy or statistical weight
statistical weight of ith quantum state. Then for a perfect Bose Einstein gas BE लिख दिया मैंने बेटा, ध्यान रखना है ना, शॉर्ट में BE गैस consisting of material particles. The most probable distribution is given by. तो हमारे पास में जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, एन आई इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, जी आई इज ओवर में ई की पावर एल्फा प्लस बीटा यू आई माइनस वन. दिस इज द इक्वेशन नंबर वन. क्या है हमारे पास में, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन में ई की पावर एल्फा प्लस बीटा यू आई. तो ये लिख लो वेयर एल्फा इज इक्वल टू माइनस यू ओवर में के टी और बीटा बराबर क्या रहता है, वन बाई के टी. और के क्या चीज है, बोल्टजमैन कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो ये सारी चीज आपने देख लिया कि क्या है हमारे पास में. तो ये हमारे पास में आती है ये वाली इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को मैंने आपका यहां लिख दिया है, यहां पे एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन में ई की पावर एल्फा प्लस बीटा यू आई. क्या चीज है, बीटा यू आई माइनस वन. दिस इज द वन. बाकी ये मैंने यहां से मिटा दिया. तो अगर मैं यहां तक बात करता हूं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन आई इज इक्वल टू जी आई वन ओवर में डी ई की पावर बीटा यू आई माइनस वन. दिस इज द सेकेंड. एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये हमारे पास में वेयर d इज इक्वल टू e की पावर माइनस एल्फा. फॉर कन्वीनियंस इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं, एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट कैन नॉट बी नेगेटिव. So we must always have ni greater than equal to zero. तो ये केस रहेगा, तो e की पावर एल्फा प्लस बीटा यू आई इज इक्वल टू वन ओवर में डी e की पावर बीटा यू आई ग्रेटर देन इक्वल टू वन. तो ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी. इफ द ग्राउंड स्टेट इज रिगार्डेड टू बी एट जीरो एनर्जी. एनर्जी का केस हमारे पास क्या, ई की पावर एल्फा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस यू ओवर में के टी
विच इज इक्वल टू 1/d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये केस हमारे पास में, इस तरीके का केस हमारे पास में रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूं सच दैट, जो हमारी इसकी बाउंड्री कंडीशन है, सच दैट ये कहता है कि अल्फा जो हमारे पास में है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास में अल्फा, क्या चीज है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो म्यू हमारे पास में क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू 0। तो डी हमारे पास में क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 1। अगर इस तरीके का केस है कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो म्यू हमारे लेस देन इक्वल टू 0 और डी भी हमारे पास में क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू 0। द कॉन्स्टेंट अल्फा, द कॉन्स्टेंट अल्फा कैन बी डिटरमाइंड बाय द कंडीशन। तो इस कंडीशन से हम क्या कर देते हैं? इसको डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास में वो कंडीशन क्या चीज है? ये आ जाएगा कि n इज इक्वल टू समेशन ni i। तो ये केस रहेगा कि n इज इक्वल टू समेशन ni, और ni क्या रहता है? n1 प्लस n2 एंड अप टू j। लेकिन इस फॉर्मेट को हमने किसके बराबर लग दिया? समेशन किसके? जी आई ओवर में e की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई माइनस 1। तो ये केस हमारे पास में रह जाएगा, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, समेशन जी आई ओवर में 1/d e की पावर बीटा यू आई माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 3। तो ये केस रहेगा 1/d e की पावर बीटा यू आई माइनस 1। तो ये केस जब हमारे पास में रहेगा, तो ये कहता है further it is known to us that for the particles in box of normal size। तो ये बताता है कि जो पार्टिकल है वो हमारा बॉक्स के अंदर किसमें है? नॉर्मल साइज के अंदर हमारे पास में एक पार्टिकल क्या करता है? लाई करता है। तो ये सारी चीज इस तरीके से हमने देखी। तो अगर मैं अब बात करता हूं, देखिए मैंने आपको मोमेंटम इंटरवल के केस में बताया था, नंबर ऑफ एटम्स इन मोमेंटम इंटरवल्स, नंबर ऑफ एटम इन मोमेंटम इंटरवल्स। तो क्या रहता है इस केस में, ये सारी चीज आपको देखनी है, क्योंकि यहां से ये आर्टिकल क्या चल जाता है? थोड़ा इंटरेस्टिंग चल जाता है। तो मैं बात करता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल स्टेट, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट जीपी। ये रहेगी हमारे पास में जीपी डीपी लाइन बिटवीन, जीपी डीपी लाइन बिटवीन मोमेंटम पी एंड पी प्लस डीपी इज गिवन बाय। तो हमारे पास में मोमेंटम इंटरवल के अंदर क्या रहेगा? जीपीडीपी 4 पाई वी अपॉन में एच क्यू, क्या रहेगा? पी स्क्वायर डीपी, और यहां रहेगा दिस इज इक्वल टू जी एस स्पिन डीजनरेसी केस है। तो जीपीडीपी इक्वल टू जी एस 4 पाई वी अपॉन में एच क्यू पी स्क्वायर डीपी, दिस इज द इक्वेशन नंबर, मैं इसको डाल लेता हूं 4। याद रखना ये क्या चीज है हमारे पास में, इक्वेशन 4, वेयर जी एस इक्वल टू 2s+1। ये होता है जी एस इक्वल टू 2s+1 इज द स्पिन डीजनरेसी फैक्टर, इज द
स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर, ठीक है, अराइजिंग arising due to the particles, ठीक है। तो s की वैल्यू अगर हम जानते हैं, s is equal to क्या रहता है, प्लस माइनस हाफ, तो यहां इसकी वैल्यू डालेंगे तो इससे हमारे पास में इस तरीके से लगाना है, let us take, मान लेते हैं s बराबर क्या है हमारे पास में, जीरो है, तो s बराबर जीरो है तो जी एस बराबर क्या हो गया, 2 × 0 + 1 = 1, तो जी एस स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया इन केस ऑफ जी। अगर मैं 1/2 ले लेता हूं तो 2 से 2 आ जाएगा, ये सारे केस आप याद रख लेना। तो ये अगर मैं इस इक्वेशन की मैं बात कर देता हूं तो 1 जी एस की वैल्यू यहां डाल लीजिए, तो जीपी डीपी इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 4πv/h³p²dv, ये केस हमारे पास में आ जाएगा इसका केस। यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, दिस इज द 5 इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 की अगर मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स lying between p and p plus dp। तो इस केस की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब लाई करेगा तो हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल dn p, क्योंकि dn फंक्शन किसका मान लिया, मोमेंटम का मान लिया है, तो ये रहेगा gp dp अपॉन में, ये वही रहेगा e की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई माइनस 1 दिस। तो ये इक्वेशन हमारे पास में क्या रहेगी, ये इक्वेशन 6 रहेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द रेंज फ्रॉम डीपी ओवर में दिस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6, ये भी याद रखना क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। फॉर अ परफेक्ट गैस, अगर परफेक्ट गैस की मैं बात करता हूं तो हमारे पास में जो एनर्जी होती है, एनर्जी की मैं बात करता हूं, यू आई इज इक्वल टू क्या रहती है, p² / 2m रहती है, क्योंकि मोमेंटम क्या रहता है, अगर मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं इसके केस में एनर्जी क्या रहती है, p² / 2m, तो ये केस हमारे पास में p² / 2m, ये इक्वेशन 7 हो गया, इसको मैं इससे करा दे क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन 7 हो जाएगी। तो आपको पता है जब आप यहां से इसको du निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट और ये सारी चीज आप देख लेना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जीपी डीपी की वैल्यू क्या चीज है, जीपी डीपी की 4πv/δ यूजिंग इन इक्वेशन, ठीक है। तो ये ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये चीज याद रखना भाई, क्योंकि मुझे ये सारी चीज इक्वेशन आपको याद रखनी है कि कौन सी इक्वेशन कौन सी क्या बनी है, ये सारी चीज याद रखना बोर्ड पे। तो देखो ये आपने देखा, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं डीएनपी जीपीडीपी, जीपीडीपी की वैल्यू क्या है, 4 पाई
v अपॉन में h क्यूब आ गया, दिस p स्क्वायर dp, तो क्या आएगा p स्क्वायर dp ओवर में, ये आ जाएगा e की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई माइनस वन, दिस इज द इक्वेशन 8। इस इक्वेशन 8 को मैंने यहां डिनोट कर दिया, ये इक्वेशन 8। 6 ये है और 7 ये, तो मैं ये और 4 वाली ये थी डीपी ये वाली, तो ये सारे इक्वेशन जब मैंने निकाल दिया तो इक्वेशन 7 हमारे पास में ये थी। तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाता है, केटी हो जाता है, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1 ओवर में केटी। तो ये सारी चीज अब आपको, और यू आई बराबर क्या है पी स्क्वायर है, तो बीटा की वैल्यू और यू आई की वैल्यू यहां डालिए, कहां पे यहां पे, क्योंकि ये सारी इक्वेशन किसकी आ जाएगी फॉर्म में आ जाएगी। वेयर मैं यहां लिख देता हूं, वेयर आपको पता है बीटा बराबर क्या रहता है 1 ओवर में केटी ओके, और यू आई बराबर क्या था अभी हमारे पास में क्या था पी स्क्वायर ओवर में 2m। अब इस देन इक्वेशन 8 कैन बी रिटर्न एज तो क्या आ जाएगा डी एन पी 4 पाई वी पी स्क्वायर डी पी ओवर में एच क्यूब e की पावर अल्फा प्लस, तो बीटा की वैल्यू 1 ओवर में के टी, तो ये आ जाएगी पी स्क्वायर अपॉन में 2 के टी एम माइनस 1, इक्वेशन नंबर 9। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे लिख देते हैं इसको, टू के टी एम थोड़ा और सा लग रहा था, इक्वेशन 9 को बाहर लिख देते हैं, ये 9 होगी और ये 2 एम के टी, दिस इज द फॉर्मेट। यहां तक किसी को कोई डाउट हो बेटा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज देख लीजिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो आपने इस तरीके से देखा। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग बिटवीन एनर्जी रेंज यू एंड यू प्लस डी यू। अब आपको ये काम करना है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, तो ये आ जाएगा किसके फॉर्मेट में आ जाएगा, डी एन यू की फॉर्मेट में, पी चेंजेस टू यू, तो ये आ गया 4 पाई वी, ठीक है, इनटू में पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू आप देखो क्या चीज है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज है हमारे पास में 2 एम यू है, यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम यू देख लिया, तो यहां पे क्या जाएगा एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 एम यू कोई प्रॉब्लम, इनटू में अपॉन में पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी एच क्यू ई की पावर अल्फा प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 एम यू, क्या चीज है हमारे पास में 2 एम यू, 2 एम, 2 एम से 2 एम कैंसिल आउट आ जाएगा, यहाँ पे 2 एम से 2 एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू ओवर में के टी आ जाएगा, ई की पावर क्या जाएगा प्लस यू ओवर में के टी माइनस 1, ठीक है, तो ये केस आ जाएगा। अब डी यू को करेंगे तो डी यू की वैल्यू क्या आती है एम अपॉन में 2u की पावर 1 बाई 2 डी यू, ये केस हमारे पास में इस तरीके से आएगा, तो m अपॉन में 2u और क्या है 1 अपॉन में 2 डी यू, तो इस तरीके का आपने इसको केस को देखा। अब आप देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है ये सारी चीज आपको, तो यहां मैं दिखाता हूं आपको इस तरीके से, तो डी एन यू इज इक्वल टू 4 पाई वी अपॉन में एच क्यू, तो यहां आ गया। अब देखो 2 एम यू क्या आ जाएगा, ये 2 एम यू इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में, ऐसे लिख देता हूं रूट एम अपॉन में 2
टू यू रूट, क्योंकि इसकी वैल्यू एक ही तो है और ये आ गया डी यू ओवर में, हमारे पास में क्या जाएगा, ये रहेगा e की पावर अल्फा प्लस यू ओवर में के टी माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सिंपल सा अगर मैं बात करता हूँ, इस टू से टू यू से ये टू यू कैंसिल आउट हो गया कितने बार, रूट टू और रूट यू बार, बाकी एम आगे आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी एन यू इज इक्वल टू फोर पाई एम, ये आ गया एम वी अपॉन में एच क्यू, ठीक है। और हमारे पास में ये जो m है, ये m और ये अंडर रूट टू एम आ जाएगा, और इसको क्या कह देंगे, अंडर रूट टू एम, और u बचेगा, u की पावर क्या आ जाएगी, वन बाई यू टू डी यू अपॉन में e की पावर अल्फा प्लस u ओवर में के टी माइनस वन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10, इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन 10 कहेंगे। देख लीजिए इक्वेशन 10 हमारे पास में इस तरीके से हो जाएगी। लेट, अब मैंने मान लिया लेट लेट एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया, यू ओवर में के टी मैंने मान लिया, यहां से यू ओवर में के टी मैंने मान लिया एक्स बराबर, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी यू ओवर में के टी। तो अब हम इसी चीज को, एक्सप्रेशन को किसकी फॉर्मेट में लिखेंगे, एक्स की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो x की फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा, ये सारी चीज आप देखिएगा, मैं सारा ये मिटा देता हूं, ये वाला पोर्शन, सारी इक्वेशन खत्म। अब मैं इस वाली इक्वेशन को यहां लिखता हूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं इधर लिखता हूं, जिससे आपको, चलो डायरेक्ट लिखते हैं बाद में मिटा देंगे। डी एन यू क्या चीज है, डी एन यू ये देख रहा है ना आपको, डी एन यू, तो ये क्या है, ये यहां पर देखिए फोर पाई एम वी, फोर पाई एम वी अंडर रूट टू एम, और अगर मैं बात करता हूं यू, किसकी मैं बात कर देता हूं, यू की मैं बात कर देता हूं, यू यू की पावर क्या है, के टी एक्स, क्या चीज है, के टी एक्स, तो हमारे पास में के टी एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा, के टी एक्स की पावर क्या जाएगी, वन बाई रूट टू इन टू में डी यू, डी यू किसके बराबर आएगा, के टी एक्स के, किसके बराबर आ जाएगा, इन टू में के टी एक्स डी एक्स, के टी डी एक्स। तो ये सारी चीज आ गई है, और नीचे आ जाएगा आपका यहां पे एच क्यू, और इसके नीचे आ जाएगा ई की पावर एल्फा प्लस u ओवर में के टी एक्स माइनस वन, क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो बताइए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, कि हमारे पास में कोई डाउट हो तो ये सारी चीज मैं यहां से रख कर देता हूं। देखिए यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आपने क्या काम किया है, अब आपने क्या काम किया है इस केस में, अगर मैं बात करता हूं, किसकी मैं बात करता हूं, ये चेक कीजिए, तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व किया है, डी एन यू इज इक्वल टू वी ओवर में एच क्यू, ये लिख दिया टू एम पाई, टू एम पाई हमारे पास में क्या जाएगा, टू एम पाई के टी की पावर थ्री बाई टू, ठीक है, इनटू में टू ओवर में रूट पाई, क्या जाएगा, रूट पाई, और एक्स की, एक्स की पावर क्या है, वन बाई रूट टू, ये आ जाएगा अपॉन में क्या आएगा, इस केस के अंदर ये आएगा ई की पावर अल्फा प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स, ये आ जाएगा। अब देखो यहां से पाई थ्री बाई टू, तो एक पाई तो पाई रहेगी, और रूट वन बाई टू से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक टू बाहर आ जाएगा, एक रूट टू बचेगा, तो टू टू क्या जाएगा, फोर। केस आपने देखा, मैं इसको रेड मार्कर के अंदर कर देता हूं, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन 11, 10 तक तो हो गया था, अब ये कौन सी हमारे पास में इक्वेशन 11 हमारे पास में बच गई। तो मैं बात करता कीपिंग इन माइंड
keeping in mind the closely spaced level in this case on integrating total number of particle तो हमारे पास में क्या आएगा, n इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी एन यू। इसको इंटीग्रेट कर दिया है मैंने, इसको इंटीग्रेट करने पर n बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन में h 2m, ये आएगा 2 पाई m kt की पावर 3/2, ये इंटीग्रेट हो गया 2 अपॉन में रूट पाई, इंटीग्रेशन जाएगा 0 टू इंफिनिटी, और क्या आएगा x की पावर 1/2 dx अपॉन में e की पावर अल्फा प्लस x माइनस 1, ये हमारे पास में केस आ जाएगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू v अपॉन में h क्यू 2 पाई m k t की पावर 3/2 2 अपॉन में रूट पाई, और इसको लिख दिया है मैंने f1 अल्फा, क्या चीज लिख दिया है f1 अल्फा, दिस इज द इक्वेशन नंबर 12 f1 अल्फा, वेयर यहां लिख देता हूं, वेयर f1 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या रहेगा 2 अपॉन में, सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो f1 अल्फा, तो f1 अल्फा क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2 अपॉन में पाई, पाई 0 टू इंफिनिटी x की पावर 1/2 dx e की पावर अल्फा प्लस x माइनस 1, ये हमारे पास में एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ जाएगा, ये रहा। और इसको भी मैंने मान लिया है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 13। तो ये केस आप याद रखना, दिस इज द दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, और f1 की वैल्यू को हम इस तरीके से करते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी आर्टिकल बनेगा। तो ये सारी चीज मैंने यहां से रब कर दी है, चलिए ये मैं मिटाई देता हूं बाद में, जैसे हैं इक्वेशन याद रखना भाई, ये 12 थी और ये 13 थी। तो अगर मैं इस तरीके से मैं बात करता हूं, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं, तो U इज इक्वल टू इंटीग्रेट U d n U, आपने U इसके साथ में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, और U इज इक्वल टू U की पावर क्या थी x k t d n U, तो इसके बराबर हमारे पास में क्या थी x k t d n U, क्योंकि यही इक्वेशन हमने माना था। तो d n U की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है, d n U की वैल्यू आप डालिए, तो d n U की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली थी, तो d n U की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा x k t, तो ये कांस्टेंट है, तो d U की वैल्यू डाल रहे हैं हम v अपॉन में h क्यू 2 पाई m k t की पावर 3/2, ये केस था। और हमारे पास में क्या आ जाएगा x इंटू में kt और इंटीग्रेशन में 0 टू इंफिनिटी, हमारा अगर एक केस जाता है तो x 1/2 और एक x, तो x की पावर कितना आ जाएगा 3/2 dx अपॉन में, और हमारे पास में क्या आ जाएगा e की पावर अल्फा प्लस x माइनस 1, ये आ जाएगा। लेकिन ये kt के साथ में थोड़ा इसको डबल लग देता हूं,
एक फैक्टर और था हमारे पास में इनटू 2 ओवर में रूट पाई, फिर था हमारे पास में kt इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर 3 बाई 2 dx ओवर में e की पावर अल्फा प्लस x माइनस 1। तो ये केस हमारे पास में बनकर के आएगा, तो ये केस आ जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको मॉडिफाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, 2 ओवर में 3 से इसको क्या कर दिया है मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया 2 ओवर में 3 से। तो इस तरीके से जब मैं इसको करूँगा 2 ओवर में 3 से नहीं, अब मैं करता हूँ इसको 3 बाई 2 से, इसको मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ यू इज इक्वल टू 3 बाई 2 से जब मैं इसको करूँगा 3 बाई 2 तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, V अपॉन में एच क्यू 2 पाई एम के टी की पावर 3 बाई 2 इन टू में, यहाँ पे जो फैक्टर आ जाता है अगर इस तरीके से मैं कह देता हूँ तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 2 बचा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा तो पाई, और ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। और हमारे पास में साथ में क्या हो रहा है, kt भी तो है, इतनी बड़ी इक्वेशन को भूल हो जाते हैं kt, और क्या आ जाएगा हमारे पास में, अभी जो इक्वेशन आई थी वो आ जाएगी 4 अपॉन में 3 रूट पाई और 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3 बाई 2 e की पावर अल्फा प्लस x माइनस 1 dx। तो ये केस रहेगा, तो ये केस हो जाएगा, और हम इसको लिख देंगे u इज इक्वल टू 3 बाई 2 v ओवर में एच क्यू 2 पाई एम के टी की पावर 3 बाई 2 के टी, और ये दोनों में f टू अल्फा, क्या लिख देंगे f टू अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर कितनी थी, वो 13 थी या 14 होगी, ये थोड़ा सा चेक कर लेना। और f 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 4 बाई 3 पाई 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 3 बाई 2 अपॉन में e की पावर अल्फा प्लस x माइनस 1 dx। ये आ गया 15वीं इक्वेशन। ये सारी चीज इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इन तरीके से ये करता हूँ तो देखिए आगे क्या आता है, इनकी वैल्यू तो मैं फंक्शन की डायरेक्ट लिखूंगा और फिर इसको सॉल्व कर देंगे हम इस तरीके से। तो इनको कहता हूँ फॉर अ बोस आइंस्टीन सिस्टम, फॉर अ बोस आइंस्टीन सिस्टम सिस्टम अल्फा शुड बी पॉजिटिव positive, otherwise the value of हमारे पास में क्या आएगा, एन आई इज इक्वल टू क्या होता है, जी आई। ये पढ़ा था तुमने सभी ने, एन आई जी आई। और हमारे पास में क्या था, e की पावर अल्फा प्लस बीटा यू आई माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस 1, क्योंकि नीचे रहता है, इसको मैं कहाँ ले गया, ऊपर ले गया। तो इस तरीके से इसको आपने लिख दिया जी आई, और 1 ओवर में डी इसकी पावर होगी, और ये आ जाएगा ई की पावर बीटा यू आई माइनस 1 की पावर माइनस 1। ये फॉर्मेट रहेगा, वुड बी बिकम नेगेटिव, वुड बिकम नेगेटिव एट सफिशिएंटली विच इज फिजिकली अनअसेप्टेबल। तो when अल्फा बराबर हमारे पास में क्या, अल्फा इज पॉजिटिव,
तो डी लेस देन वन, ये केस हमारा आ जाएगा इसके केस में। अब देखिए मैं आपसे सीधे सीधे बात करता हूँ, एफ वन की वैल्यू में बात करता हूँ। एफ वन, एफ वन एल्फा क्या था इसकी वैल्यू, टू अपॉन में रूट पाई जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स अपॉन में ई की पावर एल्फा प्लस एक्स माइनस वन, ये वैल्यू थी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी समेशन के अंदर, समेशन आर इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी डी आर अपॉन में आर की पावर थ्री बाई टू, पहला केस। ऐसे ही एफ टू एल्फा की मैं वैल्यू कर रहा था तो फोर अपॉन में थ्री रूट पाई थी जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर थ्री बाई टू डी एक्स अपॉन में ई की पावर एल्फा प्लस एक्स माइनस वन। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी समेशन आर इजक्वल टू वन टू इन्फिनिटी डी आर की पावर, हमारे पास में क्या आएगी, आर अपॉन में आर की पावर फाइव बाई टू, ये केस रहेगा दोनों के केस में। ये आप हमेशा मेमोरी के अंदर लिख लेना, तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट में जो केस बताने वाला हूँ वही बताना चाहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टोटल नंबर ऑफ एनर्जी। तो ये केस आपने देख लिया, तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है था, एन अपॉन में वी अपॉन में एच क्यू टू पाई एम के टी की पावर थ्री बाई टू, ये तो केस था। और एफ वन, एफ वन क्या था, आर इजक्वल टू वन टू इन्फिनिटी डी आर की पावर डी आर की पावर आर की पावर थ्री बाई टू, पहला केस। पहला केस आपने ये देख लिया है। और मैं कहता हूं एन बराबर वी अपॉन में एच क्यू टू पाई एम के टी थ्री बाई टू, अगर मैं यहां पे वैल्यू रखता हूं तो आर बराबर वन रखिए, आर बराबर वन रखेंगे तो डी, फिर क्या आएगा प्लस टू रखो तो डी टू, और ये आएगा टू की पावर थ्री बाई टू प्लस थ्री रखो डी थ्री, और ये आएगा थ्री की पावर थ्री बाई टू एंड अप टू गोज ऑन, पहला केस। एन बराबर वी अपॉन में एच क्यू टू पाई एम के टी की पावर थ्री बाई टू, डी कॉमन ले लिया, डी कॉमन ले लिया, हाँ बचेगा वन, यहाँ डी टू की पावर थ्री बाई टू प्लस डी स्क्वायर थ्री की पावर थ्री बाई टू एंड अप टू गोज ऑन, ये केस आएगा। ये कोई 14-15-16 इक्वेशन होगी, देख लेना आप, कहीं उसके चक्कर में रह जाओ कि हमारा कौन सा आर्टिकल क्या है। तो ये केस आपने यहां तक देख लिया। ऐसी एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, नाउ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पार्टिकल्स, तो हमारे पास में यू थी, यू की पावर थी थ्री बाई टू, यही तो थी, वी ओवर में एच क्यू टू पाई एम के टी की पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू इंटू में क्या था के टी, और समेशन हमारे पास में क्या था आर बराबर वन टू इन्फिनिटी, और ये था डी आर की पावर फाइव बाई टू, ये केस था। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही, तो यू बराबर थ्री बाई टू वी अपॉन में एच क्यू टू पाई एम के टी की पावर थ्री बाई टू के टी, और ये आ जाएगा डी वन, ठीक है, प्लस क्या आएगा डी वन मतलब डी टू टू की पावर फाइव बाई टू प्लस डी थ्री टू की पावर कितना आएगा सेवन बाई टू, अरे नहीं थ्री की पावर फाइव बाई टू, ऐसे डी फोर तो फोर की पावर फाइव बाई टू एंड अप टू गोज ऑन, डी कॉमन ले लीजिए, तो यू बराबर थ्री बाई टू वी अपॉन में एच क्यू टू पाई एम के टी पावर थ्री बाई टू के टी डी
क्या आएगा, 1 प्लस डी अपॉन में 2 की पावर 5 बाई 2 प्लस डी स्क्वायर की पावर 3 5 बाई 2 प्लस डी क्यू अपॉन में 4 की पावर 5 बाई 2 एंड अप टू बोथ ऑन, यह है 17। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, 17। तो ये केस यहाँ तक आपने देख लिया, 17 का केस भी आपने इस तरीके से देख लिया है। अब इनको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 17 डिवाइड बाई 16 से जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यू अपॉन में एन आ जाएगा, तो ये वाली चीज नेगेटिव में पहुंच जाएगी और सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो तो नाउ डिवाइडिंग, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 17 बाई इक्वेशन 16, तो ये केस हो जाएगा, तो U ओवर में कैपिटल N, तो सारा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 3 बाई 2 के टी बचेगा, 3 बाई 2 के टी बचेगा और क्या बचेगा 1, तो ये आ जाएगा, इसका केस में आएगा 1 प्लस डी अपॉन में क्या था हमारे पास में, डी अपॉन में 2 की पावर 5 बाई 2 प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 3 की पावर 5 बाई 2 एंड अप टू गोज ऑन, और अगला केस रहेगा 1 प्लस डी अपॉन में 2 की पावर 3 बाई 2 डी स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 5 बाई 2 यानी 3 बाई 2 3 बाई 2 इस तरीके से केस था हमारे पास में एंड अप टू गोज ऑन, ये आएगी माइनस 1। जब माइनस रहेगा तो ये इसको माइनस कर देगा, तो यू ओवर में एन की पावर क्या आएगी 3 बाई 2 के टी, ये आ गया 1 प्लस डी अपॉन में 2 की पावर 5 बाई 2 प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 3 की पावर 5 बाई 2 एंड अप टू गोज ऑन, यह आ गया 1 माइनस डी 2 की पावर 3 बाई 2 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 3 की पावर 3 बाई 2 और माइनस एन अप टू गोज ऑन। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यू ओवर में एन बराबर 3 बाई 2 के टी, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करता है ये आता है 1 माइनस डी अपॉन में 2 की पावर 3 बाई 2 प्लस डी अपॉन में 2 की पावर 5 बाई 2 माइनस एन अप टू गोज ऑन। ये केस हमारे पास में इस तरीके से आ जाता है। अगर इसको देखते हैं, The value of alpha and d can be now, the value of alpha and d can be determined by equation। अब हमारे पास में जो एक equation थी, ठीक है, तो इनको डिटरमाइन किस किस से किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है n बराबर, ये इक्वेशन का नाम डाल देना मैं तो गया हूं भूल भाई, तो n बराबर क्या है v अपॉन में h क्यूब 2 पाई m kt की पावर 3 बाई 2, ठीक है, और क्या है f1 अल्फा, तो f1 अल्फा से यहां से आपका क्या निकल जाएगा f1 अल्फा निकल जाएगा, और अगली क्या निकाल रहा था मैं, d निकाल रहा था एंड, एंड ये इक्वेशन है हमारे पास में एन बराबर वी अपॉन में एच क्यूब 2 पाई एम के टी की पावर 3 बाई 2 डी, और वैल्यू क्या थी 1 प्लस डी अपॉन में 2 की पावर 3 बाई 2 प्लस डी स्क्वायर अपॉन में 2 की 3 की पावर 3 बाई 2 एंड अप टू गोज ऑन। इस इन वैल्यूओं से, ये वैल्यू कौन कौन सी है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इस वैल्यू से देखता हूं कि हमारे पास में अल्फा क्या आता है, तो अल्फा 1 एफ अल्फा क्या होगा, इसको इधर कर दीजिए, तो एन अपॉन में वी एच क्यू ओवर में क्या जाएगा 2 एम पाई के टी की पावर 3 बाई 2, तो ये तो एक वैल्यू आ गई, दिस इज द इक्वेशन स्टार, ठीक है, यहां से एक इक्वेशन ये आ गई है, और क्या आ जाती है हमारे पास में, एक इक्वेशन यहां से आ जाती है f1 हमारे पास में, ऑब्वियसली
obviously f1 alpha is proportional to n over maybe and inversely proportional and inversely proportional to t की पावर 3/2 ये वाली, ठीक है। n इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके क्या चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी चीज मैं आपको यहां लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं। तो f1 अल्फा हमारे पास में क्या है, f1 अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n अपॉन में v के, और f1 अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन में t की पावर 3/2 के। ये केस याद रखना, इस केस का आपने ये देख लिया। अब मैं बात करता हूं नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अभी जो मेरे पास में क्या थी 14, जो मैंने d वाली इक्वेशन लिखी थी यहां से, ठीक है। तो n बराबर जो d थी, तो d हमारे पास में क्या आता है, यहां से d आता है हमारे पास में n ओवर में v, और h क्यू की पावर क्या जाएगा, 2 पाई एम के टी की पावर 3/2। तो ये केस आ जाएगा, तो डी हमारे पास में क्या रहेगा, डी वुड बी स्मॉल फॉर हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी, क्या रहेगी, लो डेंसिटी। तो ये लिख लीजिए ऑब्वियसली डी वुड बी स्मॉल फॉर हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी तो ये केस रहेगा। तब आप इन सभी चीजों को देखोगे, जब मेरे पास में इक्वेशन, जो लास्ट में मेरी एक इक्वेशन आई है, वो इक्वेशन है हमारे पास में, अगर आप देखोगे कौन कौन सी है इक्वेशन हमारी, वैन जो डी वाली थी, नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो इक्वेशन आई थी, और नंबर ऑफ किसके, एनर्जी के लिए। तो इन सभी इक्वेशन को जब मैं यू निकालता हूं, तो इनकी वैल्यू अल्फा और डी की वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो यू बराबर हमारे पास में 3/2 एन के टी और ये आएगी 1-1 अपॉन में 2 की पावर 5/2, चेक कर लेना इसको, एन एच क्यू अपॉन में वी 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 और ये आएगी -1 अपॉन में 3 की पावर 1/2 5, और ये केस आएगा एन एच क्यू अपॉन में वी 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 का स्क्वायर, ये केस रहता है फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस, फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस तो एन के इज इक्वल टू क्या रहेगा, आर रहेगा, क्या रहेगा, एन के इज इक्वल टू आर का केस रहेगा। तो यू इज इक्वल टू 3/2 RT और ये वैल्यू रहेगी 1-2 की पावर 5/2 एन एच क्यू अपॉन में वी 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 -1 अपॉन में 3 की पावर 5/2 एन एच क्यू अपॉन में वी 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 का स्क्वायर एंड डॉट ये आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एनर्जी आएगी, तो U जो रहेगी वो U रहेगी 3/2 RT नीटा, ये जो वैल्यू रहेगी RT, ये सारी वैल्यू किसकी रहेगी, नीटा हैज बीन सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट वैल्यू, ये नीटा की वैल्यू है टोटल, इसको क्या कहेंगे, नीटा। तो यही है हमारे पास में बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन गैस, ठीक है। किसी को कोई और डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ये आर्टिकल है, ये सारी चीज आपको करनी है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड लेंथी टॉपिक। चलिए आपका टॉपिक खत्म हुआ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।